So question is, optimize z is equal to x1 plus 2x3 plus 2x2 x3 minus x1 square minus x2 square minus x3 square. So ये optimize करना है, ये जो equation दिया है इसको कोई equality constraint नहीं है, ये single equation है, तो आपको इसको solve करना पड़ेगा. तो कैसे करेंगे, देखो type 1 का question है. तो step 1, हम लोग ये जो equation है इसको मैं f consider करता हूँ, function of x1, x2 and x3, क्योंकि इसमें variables है x1, x2, x3. अगर आपका x, y, z रहेगा तो in terms of x, y, z लेना. तो सबसे पहले क्या करना है, जो फंक्शन है इसको आप x1 से डिफरेंशिएट करो. तो यहां पे देखो x1 है, इसका डेरिवेटिव होगा 1 प्लस, यहां पे x1 नहीं उसका डेरिवेटिव होगा 0, यहां पे भी x1 नहीं डेरिवेटिव 0, यहां पे x1 स्क्वायर है, x1 स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x, लेकिन नेगेटिव है तो माइनस 2x. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, और कहां पे x1 नहीं है. Then same equation को आप differentiate करोगे x2 से. First 0 जाएगा क्योंकि x2 नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे x2 है, x2 का derivative होता है 1 into x3, तो यहाँ पे बच गया x3. x1 का derivative 0, यहाँ पे x2 square है, तो यहाँ पे होगा minus 2x2 and third one is 0, तो ये हो गया second equation. Next आप क्या करोगे, अभी same equation को आप डिफरेंशिएट करोगे x3 से. तो अगर आप x3 से डिफरेंशिएट करोगे तो फर्स्ट टर्म 0 होगा क्योंकि वहां पे x3 नहीं है, सेकंड टर्म होगा 2 क्योंकि x3 का डेरिवेटिव 1 होगा तो 2 into 1, थर्ड x3 का डेरिवेटिव 1 होगा तो बचेगा x2 प्लस x2, देन x1 का स्क्वायर 0, x2 का स्क्वायर भी 0 हो जाएगा और x3 स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा माइनस 2x3, इक्वेशन 3. एंड ये तीनों इक्वेशन को आप क्या करोगे, कंसीडर करोगे 0. सो कंसीडर लेट डो एफ बाय डो एक्स वन इज इक्वल टू 0, डो एफ बाय डो एक्स टू इज इक्वल टू 0, डो एफ बाय डो एक्स थ्री इज इक्वल टू 0. सो आपको जो पहला मिला है कि इसको मैंने 0 लिया, तो 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 एक्स वन होगा, माइनस 2 एक्स वन वहां पे गया तो पॉजिटिव 2 एक्स वन होगा और 1 ओवर 2 डिवाइड मिले दो तो आपको x1 का वैल्यू 1 बाई 2 मिल जाएगा, हो गया x1. देन सेकेंड इक्वेशन को 0 लिया, तो 0 x3 माइनस 2 x2, तो इसमें कुछ मिलेगा नहीं आपको, लेकिन मैं इस पर काम करता हूं. ये अगर मैंने लेफ्ट साइड लिया तो x3 इज इक्वल टू 2 x2 हो जाएगा, ओके. Then third equation को आपने 0 लिया, तो 2 plus x2 minus 2x3, अब ये भी solve नहीं होगा, either आप ये दोनों simultaneous equation solve कर सकते हैं और else x3 के वाले 2x2 वहां पे substitute करो, तो 0 2 plus x2 minus 2 x3 का value 2x2, तो ये 4x2 होगा और ये 1x2, 1 minus 4 होगा minus 3 x2 होगा, minus 3 x2 होगा, बराबर है, और माइनस 3 आपका आएगा तो प्लस 3 होगा इज इक्वल टू, दैट मींस x2 इज इक्वल टू 2 बाय 3, मिल गया x2 का वैल्यू, और एक बार x2 मिल गया तो x3 भी मिल जाएगा, दैट x3 इज इक्वल टू 2 इनटू 2 बाय 3 मींस 4 बाय 3, सो x3 का वैल्यू 4 बाय 3 मिल गया आपको. So x1, x2, x3, ये जो वैल्यूज मिले ये स्टेशनरी पॉइंट्स हो गए, आपका स्टेशनरी पॉइंट्स. देन आपको क्या करना है कि हेसियन मैट्रिक्स के लिए आपको डिफरेंशिएट करना है फर्स्ट इक्वेशन को x1, x2, x3 से, सेकंड इक्वेशन को x1, x2, x3 से, थर्ड इक्वेशन को x1, x2, x3 से. सो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट डो एफ बाय डो x1 को बाय x1, x2 एंड x3, तीनों से डिफरेंशिएट करेंगे. तो फर्स्ट होगा डो स्क्वायर एफ अपॉन डो x1 पहले था और वापस x1 से गया तो वो x1 स्क्वायर होगा, तो इसका आंसर यहां पे 1 माइनस 2x1 है, तो 1 माइनस 2x1 का डेरिवेटिव 0 होगा, माइनस 2x1 का होगा माइनस 2 होगा डेरिवेटिव आंसर. देन डो स्क्वायर एफ अपॉन डो x2 x1 होगा,
मतलब पहले x1 था और बाद में x2 से डिफरेंशिएट किया, वापस dou square f upon dou x3 dou x1, पहले x1 था x1 से डिफरेंशिएट बाद में x3 से हो गया, तो इसी को आप पहले x2 से डिफरेंशिएट, यहां पे x2 है ही नहीं ना, तो आंसर होगा 0। यहां पे x3 भी नहीं है तो आंसर होगा 0। नेक्स्ट आप डिफरेंशिएट करोगे dou f by dou x2 को by x1 x2 x3, ये इक्वेशन यहां पे, तो आप इसको क्या करोगे, dou f by dou x2 को पहले x1 से डिफरेंशिएट करोगे तो यहां पे स्क्वायर होगा। अभी ये इक्वेशन में x1 नहीं है ना तो वो जीरो हो जाएगा, देन dou square f upon dou x2 square, मतलब x2 को वापस x2 से डिफरेंशिएट करोगे, इसमें x2 है, x3 का डेरिवेटिव 0 और x2 का डेरिवेटिव 1 तो बचेगा माइनस 2, देन dou square f upon dou x2 पहले था, बाद में मैं x3 से डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो इसमें x3 है ना अवेलेबल, x3 का डेरिवेटिव 1 इसका 0 हो जाएगा, ओके, देन अगेन डिफरेंशिएट। आप लोग अभी थर्ड इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे dou f by dou x3 by x1 x2 x3, सो ये इक्वेशन को आप अगर x1 से डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आपको यहां पे x1 अवेलेबल नहीं, 0 मिलेगा, देन आप dou square f upon dou x2 x2 से डिफरेंशिएट करो, यहां पे x2 है, 2 का डेरिवेटिव 0, x3 का डेरिवेटिव 0, x का x2 का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, एंड द लास्ट वन dou square f upon dou x3 2 पावर 2, x3 है आपके बाकी का 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 1 होगा बचेगा माइनस 2, क्लियर है। देन अभी आपको मैट्रिक्स फॉर्म करना है स्टेप 3, हेसियन मैट्रिक्स, दैट इज h, h इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा, लिखा होगा dou square f upon dou x1 square, मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स है, dou square f upon dou x2 dou x1 एंड dou square f upon dou x3 dou x1, मतलब आपने x dou f by dou x1 को x1 x2 x3 से डिफरेंशिएट किया, देन dou square f upon dou x2 और यहां पे आएगा dou x1, मतलब dou by dou x2 को ये तीनों वैल्यूज यहां पे आएगा, dou square f upon dou x2 square dou square f upon dou x3 dou x2 and the last one dou square f upon dou x1 dou x3 dou square f upon dou x2 dou x3 and dou square f upon dou x3 square, और अगर आप इसका मैट्रिक्स फिल करोगे और डिटरमिनेंट फिल करोगे तो ये फर्स्ट थ्री वैल्यूज है माइनस टू जीरो, ये थ्री वैल्यूज है माइनस टू जीरो जीरो, नेक्स्ट वैल्यूज है जीरो माइनस टू वन एंड थर्ड वन इज जीरो वन टू जीरो वन माइनस टू, ये हो गया आपका डिटरमिनेंट। आपको क्या करना है एग्जैक्टली, आपको डेल्टा वन फाइंड करना है, मतलब वन बाय वन मैट्रिक्स, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जो है माइनस टू है और उसका आंसर होगा माइनस टू, देन आपको डेल्टा टू फाइंड करना है, आपको डेल्टा टू इज इक्वल टू सेक टू रोज टू कॉलम, तो फर्स्ट टू रोज फर्स्ट टू कॉलम लिया आपने तो आपको मिलेगा माइनस टू जीरो जीरो माइनस टू, और आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस टू इंटू माइनस टू प्लस फोर, माइनस जीरो मतलब हो गया प्लस फोर, यह आंसर आपको निगेटिव मिला, आपको यह आंसर आपको पॉजिटिव मिला, एंड थर्ड डेल्टा थ्री आपको थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स सॉल्व करना पड़ेगा, दैट इज माइनस टू जीरो 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 माइनस टू वन एंड जीरो वन माइनस टू, आप इसको सॉल्व करोगे तो ऐसा होगा माइनस टू डिटरमिनेंट ऑफ दिस माइनस टू वन वन माइनस टू माइनस जीरो प्लस जीरो, ये तो जीरो ही है, और इसका आप सॉल्यूशन निकालोगे डेल्टा थ्री का, तो माइनस टू ब्रैकेट माइनस टू इंटू माइनस टू प्लस फोर माइनस वन इंटू वन वन होगा, फोर माइनस वन थ्री, थ्री इंटू माइनस टू इज माइनस सिक्स, आपको आंसर निगेटिव मिला,
तो नेगेटिव पॉजिटिव निगेटिव अगर आंसर आपको मिलता है तो फंक्शन आपका जेड क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और अगर तीनों पॉजिटिव मिला तो वो मिनिमम होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव निगेटिव मिला इसलिए जेड इज मैक्सिमम एट पॉइंट, कौन से पॉइंट से यहाँ पे एक्स का वैल्यू इसका एक्स वन का 1/2, एक्स वन इज इक्वल टू 1/2, एक्स टू इज इक्वल टू 2/3 एंड एक्स थ्री इज इक्वल टू 4/5, 4/3, इट्स अ 4/3, ठीक है 4/3। तो ये तीनों वैल्यूज मिल गए आपको। सो अभी आपको फाइनली जेड मैक्स फाइंड करना है, तो जेड मैक्स के लिए आप क्या करोगे, ये तीनों वैल्यूज जो है वो ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे। तो एक्स वन इज 1/2 प्लस 2x2, 2x3, x3 का वैल्यू 4/3 प्लस एक्स टू इंटू एक्स थ्री 2/3 इंटू 4/3 माइनस एक्स वन स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर 2/3 का स्क्वायर एंड माइनस एक्स थ्री स्क्वायर 4/3 का स्क्वायर। और अगर आप उसको सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो आपको कैलकुलेटर का इसका वैल्यू जेड मैक्स का वैल्यू मिलेगा 19/12। दिस इज अ मैक्सिमम वैल्यू, हो गया ऑप्टिमाइजेशन। Yeah।